हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और उसमें भी आपका रीजनिंग, ठीक है ना, जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर सोल्यूशन के साथ में, ठीक है ना। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को भी हम समझेंगे और क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको भी हम बहुत अच्छे से जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो CUET आप सबको पता है कि जो भी इंटर के बाद आपको जो है आगे ग्रेजुएशन करना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। CUET का फुल फॉर्म ही होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक टेस्ट होता है जिसमें आपसे जर्नल टेस्ट भी पूछा जाता है। उस जर्नल टेस्ट में आपका रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश आता है, ठीक है ना। तो हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए थे, ठीक है ना। और आगे जो आपका पेपर होगा, आपको पता है कि भाई मई में पेपर होने वाला है, ठीक है ना, शायद 21 से 31 मई का डेट है उसमें, ठीक है, जो आपको अभी आपका जो एग्जाम उसमें फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसमें जो डेट है वो आपकी 21 से 31 मई की डेट दी गई है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे भी एग्जाम जो होगा उसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं ना, मैंने आपको शुरुआत बताया पूरा प्रॉपर डिस्कशन, जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया उस चैप्टर को पहले हम समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग एग्जाम में क्यों आती है, सबसे पहला क्वेश्चन एक दिमाग में बात आती है, सर रीजनिंग क्या है, ठीक है ना भाई। जो लोग नए हैं, जो लोग अब नए ही है सारे लोग, क्योंकि इंटर के बाद उनको आगे बढ़ना है, तो अभी तक आपने हो सकता है रीजनिंग ना पढ़ी हो या पढ़ी भी हो तो एक होता ना कि हमको अभी तक उसकी इतनी जरूरत नहीं थी तो हमने बहुत ज्यादा उसमें फोकस नहीं किया। तो रीजनिंग जो है वो बहुत आसान सब्जेक्ट कह सकते हैं, सब्जेक्ट कहना तो सही नहीं है क्योंकि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। रीजनिंग केवल एक थिंकिंग है, जो आप थिंक करते हैं, जो आप सोचते हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग एग्जाम में आती क्यों है, रीजनिंग इसीलिए आती है कि आपका IQ लेवल टेस्ट हो सके, आप कितना जल्दी किसी चीज को सोच पाते हैं, कर पाते हैं। जैसे अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि QUCUIHEER means boy is good, सेकेंड बी में दिया है LAIQUOMEA means Meena is fair, आर तीसरा दिया है कि RUOLEVMEA means all are fair, फिर चौथा दिया गया है SIHAICUI means dog was good, then which of the following words stand for boy, आपको बताना है कि boy के लिए कोड क्या होगा, QUO होगा, CUI होगा कि HEER होगा कि LAI होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग में जो हम पढ़ते हैं तुलना के आधार पे, ठीक है ना, कंपैरिजन के आधार पे जो है शब्दों की कोडिंग करना, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। या कहीं कहीं आपको चाइनीज लैंग्वेज भी लिखा मिल जाता है कि भाई चाइनीज लैंग्वेज पे आधारित जो आपके कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कंपैरिजन के आधार पे, तुलना के आधार पे शब्दों की कोडिंग निकालना। तो अब देखो इनके आपको मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, ग्रामेटिकली ये सही है गलत है ये कुछ नहीं आपको सोचना है। आपको यहां पर चाहिए बॉय का कोड, किसका कोड चाहिए, बॉय का कोड। तो कैसे आप करेंगे जरा उसको समझिए। अब देखिए आपको सबसे पहला काम करना क्या है, इन सारे इक्वेशन 1 2 3 4 इक्वेशन आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो पहले को ए को पहला इक्वेशन, बी को दूसरा, सी को तीसरा और डी को हम चौथा मान लेंगे। अब दो कंडीशन है, पहली कंडीशन की बॉय या तो कहीं कॉमन हो,
मतलब जैसे यहां पर देखें आप तो केवल पहले में ए में बॉय आया है, बॉय इज गुड, बाकी कहीं भी बॉय नहीं आया। तो या तो बॉय दो जगह कॉमन हो या फिर बॉय जिसके साथ जिस इक्वेशन के साथ आया है उसमें वह सिंगल बचे, बाकी सबके सब वहां से हट जाए। जैसे देखिए पहला दिया गया आपको क्यू यू ओ, पहले इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं फिर समझते हैं, क्यू यू ओ कॉमा सी यू आई कॉमा एच डबल ई आर, इसका मींस क्या है, बॉय इज गुड, बॉय इज गुड, बॉय इज गुड। ठीक है, एक बात समझिएगा, तीन आपके इधर वर्ड है, तीन इसके कोड है, ये कोड है, ये वर्ड है, लेकिन इस बात को आपको याद रखना है कि क्रम के आधार पर आपको उसका कोड निर्धारित नहीं करना। जैसे यहां पर बॉय फर्स्ट पे आया है तो आप ये नहीं कह सकते कि बॉय का कोड क्यू यू ओ होगा, तो कभी भी जो है सिक्वेंस के आधार पर इसमें कोड निर्धारित नहीं किया जाता। दूसरा देखिए क्या दिया गया है, आर यू ओ आर यू ओ कॉमा एल ई वी कॉमा एम ई ए, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है मीना इज फेयर, इसका मीन्स है मीना इज फेयर। ओके, तीसरा दिया गया है आर यू ओ कॉमा, तीसरा दिया गया है आपका, अच्छा एक मिनट जरा रुकिए, थोड़ा हम लोगों ने गलत लिख दिया, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर कुछ और है, बी में कुछ और दिया गया है, ये है एल ए आई कॉमा क्यू यू ओ कॉमा एम ई ए है, ये है तीसरे में है आर यू ओ कॉमा एल ई वी कॉमा एम ई ए, इसका मीन्स है ऑल आर फेयर, ऑल आर फेयर। ओके, चौथा दिया गया है एस आई कॉमा एच ए आई कॉमा सी यू आई, इसका मीन्स दिया गया है आपको डॉग वॉज गुड, क्या दिया गया है, डॉग वॉज गुड। ओके, अब जरा देखो अब यहां पर इसको करना कैसे है, तो सबसे पहली बात सीक्वेंस के आधार पे कोड निर्धारित नहीं होता। आप ये मत सोचिए कि बॉय यहां फर्स्ट आया तो उसका कोड क्यू यू ओ हो जाएगा। दूसरा ये है कि या तो बॉय वहां पर सिंगल बजे उस लाइन में, या तो कहीं और भी कॉमन होता तो डायरेक्ट उसको हम कट कर देते, तो यहां पर बॉय और कहीं नहीं आया। अब इसके साथ में इज और गुड है, क्या है इज और गुड, अगर इज और गुड जो है यहां से कट हो जाए तो हम यहां पर बॉय का कोड आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब कैसे कट करेंगे, तो यहां पे कट करना है तुलना करके, कंपेरिजन करके। जैसे अगर आप इसको पहला इक्वेशन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये है आपका चौथा, ठीक है ना, सबसे पहले हमने कंपेरिजन किया पहले और दूसरे का, सबसे पहले हमने कंपेरिजन किया फर्स्ट और सेकेंड का, सबसे पहले हमने कंपेरिजन किया फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो जब फर्स्ट सेकेंड आपने लिया तो इज से इज क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, दोनों में इज कॉमन है तो जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो इज से इज कैंसिल हो गया, इधर कोड में आ जाइए क्योंकि ये वर्ड है और ये उसका कोड है, तो क्यू यू ओ कॉमन, दोनों में कॉमन है तो इज के लिए कोड क्या हो गया क्यू यू ओ, इज के लिए कोड क्या हो गया क्यू यू ओ। अगर इज का कोड आपसे पूछा जाता तो डायरेक्ट आप आंसर देते कि क्यू यू ओ होगा, क्लियर है। अब जरा देखो लेकिन हमें चाहिए बॉय का, अभी गुड बचा हुआ है, अगर आप देखें तो पहला और चौथा अगर हम ले लें, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ ले लें तो उसमें गुड से गुड देखो कैंसिल हो जाएगा, गुड से गुड कैंसिल हुआ, यहां पे कोड देखो सी यू आई से सी यू आई कैंसिल हो गया, तो गुड के लिए कोड क्या हो गया सी यू आई, गुड के लिए कोड क्या हो गया सी यू आई। अब देखिए यहां पर सिंगल बॉयज बचा,
सिंगल बॉयज बचा और कोड में क्या बचा, सिंगल बॉयज बचा, कोड में एच डबल ई आर बचा, अर्थात बॉय का कोड कितना हो जाएगा, बॉय का कोड हो जाएगा आपका एच डबल ई आर, एच डबल ई आर। बात मेरी समझ में आई, बॉय कोड क्या हो गया, एच डबल ई आर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर इज का पूछा जाता तो इज का कोड क्या होता, इज का होता आपका जो है क्यू यू ओ, गुड का कोड क्या होता सी यू आई, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से अगर मुझे फेयर का निकालना है, किसका निकालना है फेयर का, तो देखो दूसरे और तीसरे में दोनों में आपका फेयर कॉमन है, यहां से फेयर कैंसिल हो जाएगा, एम ई ए से एम ई ए कैंसिल हो जाएगा, तो फेयर का निकल के आएगा आपका एम ई ए, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सिक्वेंस के आधार पर आपको आंसर नहीं देना है कि यहां पे सर ये पहले नंबर पे था, पहले नंबर पे ये, तो इसका कोड ये हो जाएगा, नहीं ये गलत है, तुलना के आधार पे करना है, ठीक है ना। पहले कंपेरिजन करना है, या तो वो कहीं और भी आया हो अर्थात वहां पे कॉमन हो, या तो फिर जो है जिस इक्वेशन में वो आया हो उसमें वो सिंगल बचे। जैसे यहां पे देखिए इज और गुड आपका उनका दोनों कोड निकल गया, अब बॉय सिंगल बचा तो बॉय के लिए सिंगल इधर क्या बचा एच डबल ई आर बचा, तो बॉय का कोड क्या हो जाएगा आपका एच डबल ई आर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग पर ही है। क्वेश्चन है कि इफ, अब आपके यहां पे भी इक्वेशन दिया गया, फर्स्ट इक्वेशन दिया गया बाई गुड ऑरेंज इज कोडेड एज बी डी जी, डिस्ट्रीब्यूट गुड ऑरेंज इज कोडेड एज बी सी डी, ओके ऑरेंज आर रेड इज कोडेड एज बी ई एफ, देन व्हाट इज द कोड फॉर रेड, बताना कि आपको रेड के लिए कोड क्या होगा, बी होगा आइदर ई और बी होगा, आइदर एफ और बी होगा, कि आइदर ई आर एफ होगा, कौन सा आपका आंसर सही होगा इन चारों में। तो यहां पर भी देखिए जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। यहां पर भी हमें किसका कोड निकालना है, रेड का कोड निकालना है। तो सबसे पहले देखो कितने इक्वेशन दिए गए हैं, तीन, तो यहां पे हम इसको लिख लेते हैं। पहला दिया गया है आपका बाई गुड ऑरेंज, बाई गुड, बाई गुड ऑरेंज, बाई गुड ऑरेंज, इसके लिए कोड क्या है, आपने कहा बी डी एंड जी, क्लियर। तीन वर्ड हैं, तीन आपके कोड हैं, लेकिन आपको पता है कि भाई सीक्वेंस के आधार पे आंसर नहीं देना कि हाँ यहां पर पहले बाई आया तो बाई कोड बी हो जाएगा, गुड का कोड डी हो जाएगा, ऑरेंज का जी हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है ना, तुलना के आधार पे देना है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट गुड ऑरेंज, गुड ऑरेंज, इसके लिए कोड क्या है, बी सी डी, बी सी एंड डी, क्लियर। तीसरा है आपका ऑरेंज आर रेड, ऑरेंज, ऑरेंज आर रेड, इसके लिए कोड है आपका बी ई और एफ, ठीक है। इसके कोड को यहां पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी सी एंड डी, ठीक है। तीन अल्फा, तीन आपके वर्ड है, तीन कोड है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि भाई जितने इधर वर्ड होंगे उतने कोड होंगे। अब आपको ये पता है कि भाई सीक्वेंस के आधार पे हमें आंसर नहीं देना। अब हमसे पूछा गया है रेड, हमसे जिसका कोड पूछा जाएगा ध्यान हमको उसी पर देना है। अब जैसे रेड का पूछा गया तो क्या रेड दो जगह कहीं आया है क्या, आपने कहा नहीं, रेड अगर बात करें तो केवल तीसरे में आया है। अगर हम इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लें, ठीक है ना, इसको सेकंड मान लें और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लें, तो केवल थर्ड में है आपका रेड, केवल थर्ड में आपका रेड आया है। अब एक चीज सोचिए, जब थर्ड में रेड आया है तो रेड के साथ क्या क्या है, एक ऑरेंज है और एक आर है। अगर इन दोनों का कोड हमें मिल जाए, अगर इन दोनों का कोड हमें मिल जाए तो रेड अकेला बचेगा और रेड का कोड हम आसानी से निकाल सकते हैं।
तो जरा देखो भाई क्या यहाँ पर ऑरेंज और आर कहीं कॉमन है क्या? तो आपने कहा कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड ले लूं, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड ले लेता हूं तो फर्स्ट और थर्ड में ऑरेंज से ऑरेंज कैंसिल हो गया। कोड में देखिए क्या कैंसिल होगा, तो आपने कहा बी से बी कैंसिल हो गया, तो ऑरेंज के लिए कोड क्या हो गया, बी हो गया। ऑरेंज के लिए कोड क्या हो गया, बी हो गया। अब जरा देखो यहां पे आर बचा है, यहां पे रेड बचा है, ठीक है ना। ऑरेंज आपका सेकंड में भी आया है, तो ऑरेंज के लिए कोड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑरेंज के लिए कोड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब रेड के साथ में आपका आर है, लेकिन आर तो अब कहीं आया ही नहीं, ना पहले में कहीं आर आया, ना कहीं दूसरे में कहीं आर आया, तो अब यहां पर कोड कैसे निकलेगा? अब देखो आर और रेड दोनों हैं, दो आपके कोड हैं, एक ई और एक एफ। तो हम यहां पर कहेंगे कि रेड का कोड क्या हो जाएगा, रेड का कोड या तो ई होगा, आइदर ई और एफ, या तो आपका ई होगा या क्या होगा, एफ होगा। आप क्लियर नहीं बता सकते कौन सा कोड होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे आर का पूछा जाता है ना, तो आर का भी कोड क्या आता है, या तो ई या तो एफ, ठीक है ना। लेकिन हाँ ऑरेंज का देखो क्लियर हो गया कि उसका कोड बी ही होगा, ठीक है। अब चूंकि आर कहीं भी और कॉमन नहीं है, तो भैया हम सिक्वेंस रैंक के आधार पर नहीं यहाँ पे कोड निर्धारित होता, या तो वो उसका कोड एकदम कंफर्म हो जाए। तो अब यहाँ पे आर और रेड दोनों कॉमन है, दो देखो कोड कॉमन है ई और एफ, तो आपके रेड का कोड भी क्या होगा, आइदर ई और एफ। अगर आपसे पूछा जाता कि आर का कोड क्या होगा, तो आर का भी होगा कि आइदर ई और एफ, या तो ई या तो एफ। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे क्वेश्चन अब आगे आपसे पूछे जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, बस एक बार समझने की बात है। अगर आप सही से समझ गए तो आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा रीजनिंग बहुत आसान है, रीजनिंग को इसलिए तो सब्जेक्ट नहीं कहते ना भाई, अगर सब्जेक्ट होता तो शुरुआत से पढ़ाया जाता। ये केवल एक लॉजिक है, केवल एक थिंकिंग है, लेकिन वो थिंक भी आपको सही तरीके से करना है ताकि सही आंसर आप दे सके, सही चीज को आप चूज कर सके। भाई चार ऑप्शन है, आपको चूज करना है कौन सा सबसे सही है। तो देखो आंसर क्या देगा, आइदर ई आर एफ, या तो ई या तो एफ, तो आंसर आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बी तो किसका कोड है, आपका ऑरेंज का है, ए बी सी तीनों गलत है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, अगला क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा गया है। किस टॉपिक से पूछा गया है, रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ मल्टीप्लाई मींस डिवीजन, माइनस मींस मल्टीप्लाई, डिवीजन मींस प्लस एंड प्लस मींस माइनस, देन 3 माइनस 15 डिवाइडेड 11 ब्रैकेट क्लोज इंटू 8 प्लस 6 इक्वल्स टू व्हाट। यदि गुणे का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ माइनस है, तो बताना 3 माइनस 15 भागे 11 गुणे 8 प्लस 6 का 6 की वैल्यू क्या होगी। तो अब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है किससे, मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक से। मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं हम लोग बॉडमॉस के द्वारा, किसके द्वारा, बॉडमॉस के द्वारा, ठीक है ना। आपको यहां पे रूल लगाना होता है बॉडमॉस, बी ओ डी एम ए एस, जैसे कि आप मैथ में पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना, प्लस गुणा भाग, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या लगाना है, बॉडमॉस। अब बॉडमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है जरा उसको समझ लेते हैं। बॉडमॉस बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, अर्थात सबसे पहले आप किसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट को, ठीक है। बी के बाद फिर आता है ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो अगर ऑफ लगा है तो ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसके बाद डी आएगा, डी मतलब हो गया डिवीजन, डी मतलब हो गया डिवीजन,
ठीक है ना। फिर एम, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। अब आपके दिमाग में एक बात आती है, सर आपने यहां भी मल्टीप्लाई बताया, यहां भी मल्टीप्लाई, अगर ऑफ लगा है, अगर कहीं भी आपका का लिखा है तो उसका मल्टीप्लाई आपका डिवीजन के पहले होगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है तो वो आपका डिवीजन के बाद सॉल्व होगा। क्लियर है? अगर ऑफ लगा है अर्थात का लगा है तो वह डिवीजन के पहले सॉल्व होगा, अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है तो वह आपका डिवीजन के बाद किया जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई के बाद फिर क्या आएगा आपका ए, ए का मतलब हो गया एडिशन, ए का मतलब हो गया आपका एडिशन, और एस मतलब हो गया सब्ट्रैक्ट करना, एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब हो गया घटाना, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो जरा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 3 - 15 / 11 + 8 + 6, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या ओपन करेंगे, ब्रैकेट, सबसे पहले क्या ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, और ब्रैकेट में भी आपका यहां पे जो होगा वो होगा डिवीजन। अब आपको पता है कि भाई 15 11 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 11 कैसे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 33 - 15 अपॉन हो जाएगा 11, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 8 प्लस का हो जाएगा 6। अब देखो 33 से जरा 15 को माइनस कर दो तो 13 में से 5 गए 8 और यहां बचेगा 2 में से 1 गए 1, 18/11 × 8 प्लस का हो जाएगा 6, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 18 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो 18 × 8 कितना हो जाएगा 144, ये हो जाएगा आपका 144 प्लस कर दो आप 11 में 6 का मल्टीप्लाई तो 66 अपॉन हो जाएगा आपका 11, कितना आ जाएगा आपका 6 × 4 = 10, ठीक है ना, और 6 × 4 = 10 = 11 और 1 × 1 = 2, 210/11, ये लगभग आपका कितना आ जाएगा 11 × 1 = 11, ये पॉइंट में आएगा लगभग, है ना, कितने में आएगा पॉइंट में आएगा, किस में आ जाएगा पॉइंट, अच्छा एक मिनट जरा रुकिएगा भाई, गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलत हो गया, यहाँ पे पहले क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, ठीक है, सॉरी हमने क्या किया इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट नहीं, पहले इसको क्या करना है, यहाँ से सिंबल को बदलना है, ठीक है ना, सिंबल को क्या कर लेना है, बदल लेना है। जैसे कह रहा है कि मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है, डिवीजन, तो जहां मल्टीप्लाई है वहां पे डिवीजन लिखना है। फिर आपका दिया है कि माइनस का मींस क्या है, मल्टीप्लाई, डिवीजन का मींस क्या है, प्लस, प्लस का मींस क्या है, माइनस। तो जरा पहले इसके सिंबल बदलिए, डायरेक्ट नहीं इसको सॉल्व करना, पहले इसके सिंबल को बदलना है, ठीक है ना, हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व करी तभी तो हमारा आंसर गलत हो रहा था। देखिए जरा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसके सिंबल को बदलेंगे, तो ब्रैकेट 3, अब देखो माइनस का मींस क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहां पे मल्टीप्लाई लगा दो, डिवीजन का मतलब क्या है, डिवीजन मींस है प्लस, तो यहां पे प्लस लगा दो, फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई मींस डिवीजन है तो यहां पे डिवीजन लगा दो, और प्लस मींस क्या है, माइनस, तो यहां पे माइनस लगा दो। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, सॉरी उसको नहीं सॉल्व करना था, क्लियर है ना, इसको जब बॉडमॉस तो लगाना है, लेकिन बॉडमॉस लगाने से पहले आपको वहां पर सिंबल को रिप्लेस करना है, ठीक है ना, तो सिंबल को जब रिप्लेस करना, देखो माइनस का मतलब क्या है आपका, मल्टीप्लाई है तो यहां मल्टीप्लाई लगा दो, डिवीजन का मतलब आपका क्या है, प्लस है तो यहां पे देखो प्लस लगा दिया। अब इसको सिंबल को बदलने के बाद अब यहां पर बॉडमॉस लगा, तो पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट जब आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 45 + 11 / 8 - 6, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 × 5 = 6 × 4 = 5, ये हो जाएगा 54 अपॉन हो जाएगा 8, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा आपका 6। अब देखो आप इसको चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा, 2 से कर दें 27 × 54
और दो चौको आठ, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 27, और ये हो जाएगा छः चौको 24 बटा हो जाएगा आपका 4, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 7 में से 4 गया 3, 3 बटा 4 आ जाएगा, तो ये पॉइंट में आएगा 0.75 करके, क्लियर है, समझ में आ गया। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले सिंबल को बदलना है, जैसे माइनस का मतलब क्या था, माइनस मींस मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई लगा दिया, डिवीजन का मतलब क्या था, डिवीजन का मतलब है आपका जो है प्लस, तो यहां पे हमने प्लस लगा दिया, तो कितना हो जाएगा 15 3 जा 45, 45 पे 11 कितना हो जाएगा 54, 5 1, ओहो सब गड़बड़ देखो आज हो रहा है, एक बार जब गड़बड़ हो जाती है ना चीज तो सारा का सारा फिर गड़बड़ ही होता चला जाता है, फिर तो गड़बड़ कर दिया यहाँ पे हम लोगों ने, ये हो जाता 56, हम लोग जोड़ा है 54, ये हो जाएगा 56 डिवाइडेड 8 माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपका 1, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, क्लियर है, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। जब कोई चीज एक बार गलत हो जाती है पूरा गलत ही होता चला जाता है, ठीक है ना, पहले हम लोगों ने क्वेश्चन गलत किया, फिर इसके बाद कैलकुलेशन ही गलत हो रहा है, ठीक है, वहां पे हमको रखना चाहिए 56 और हम लग रहे थे 54, तो यहाँ पे देखो 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 माइनस हो कितना जाएगा आपका 1, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया कैसे करना है, सबसे पहले जब भी आपका जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पर बॉर्ड मॉस लगाना, लेकिन बॉर्ड मॉस लगाने से भी पहले आपको सिंबल को बदलना है, किसको बदलना है, सिंबल को, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग ने सिंबल बदल के ये नया इक्वेशन बनाया, अब इसको सॉल्व करना है, इसमें लगाना है आपको बॉर्ड मॉस, ठीक है ना, तो सॉल्व करने में कितना आ जाएगा आपका 1, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का देखिए आंसर बताइए, अब ये जो क्वेश्चन है ये है आपका जो है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्लासिफिकेशन, किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन का, यहां पे आपको बताना है कौन सा अलग है, कौन सा भिन्न है, बताइए भाई, चूज आउट द ऑड वर्ड, विषम शब्द का चयन कीजिए, पहला दिया गया है कैरेट बीन्स ग्रेप्स एंड बनानास, बताइए इनमें से कौन सा अलग है, ठीक है ना, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि अगर यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं तो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि इन चार में से तीन किसी प्रकार से समान है, ठीक है ना, इन चार में से तीन किसी प्रकार से समान है, अर्थात वे अपना एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा एक है जो इस ग्रुप से अलग है, उसकी आपको पहचान करना है, तो बताइए भाई इसमें कौन सा अलग आएगा, कैरेट अलग होगा, बीन्स अलग होगा, कि ग्रेप्स अलग होगा, कि बनाना अलग होगा, ए बी सी डी में से कौन सा, जो अलग है वही आंसर है, जो अलग है वही आपका आंसर है, तो आपने कहा कि यहां पे जो अलग होगा वो आपका बीन्स होगा, क्या होगा, बीन्स होगा, क्योंकि इसको कच्चा खाया जा सकता है, सॉरी इसको कच्चा नहीं खाया जा सकता, नॉट नॉट ईटन रॉ, नॉट ईटन रॉ, इसको कच्चा नहीं खाया जा सकता, और बाकी जो है आपका, बाकी जो कैरेट है, कैरेट है, और आपका ग्रेप्स है ना, और बनानास है, और बनाना है, इसको आप कच्चा खा सकते हैं, इसको आप कच्चा खा सकते हैं, कच्चा का मतलब हो गया यहां पर कि बिना पकाए, ठीक है ना, उसको काट करके छोंकने की पकाने की जरूरत नहीं है, आपने लिया और खा लिया, ठीक है ना, लेकिन जो बीन्स हैं, सब्जियां हैं, उनको तो भाई पकाना ही पड़ेगा, बिना पकाए आप नहीं खा सकते, ऐसा तो नहीं कि बीन्स लाए और भाई डायरेक्ट जो रोटी में लगाया खा गए, ऐसा नहीं हो सकता ना, बाकी जो है ग्रेप्स आप कच्चे खा सकते हैं, पेड़ से तोड़कर डायरेक्ट खा सकते हैं, पकाने का मतलब यहां जो है उसके पकने से नहीं है, पकाने का मतलब यहां खाना बनाने से, ठीक है ना, तो जो है यहां पर जो बीन्स हैं उनको हम कच्चा नहीं खा सकते, बाकी जो आपके कैरेट हैं, ग्रेप्स हैं और बनाना है, इनको हम जो है कच्चा खा सकते हैं, और इसीलिए यहां पे जो अलग है वो है आपका बीन्स,
यहाँ पे जो अलग है वो है आपका बीन्स अर्थात फलियां। फलियां बाकी से क्या है आपकी, अलग है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला है आपका ल्यूकोडर्मा, दूसरा दिया है कि रियोमेटिस्म, ओके, डाइसेनेस्ट्री, और दिया है डायबेट्स। ठीक है, ल्यूकोडर्मा गठिया है, पेचिस है और मधुमेह है। ठीक है, मेरी थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर है, आपकी अच्छी है तो आप सही से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मुझसे तो भाई जो बन रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पता ये कौन सा अलग है, ल्यूकोडर्मा अलग है कि रियोमेटिस्म अलग है, जिसे हम गठिया कहते हैं। ठीक है ना, कि डाइसेनेस्ट्री अर्थात पेचिस अलग है, कि डायबेट्स अर्थात मधुमेह अलग है। कौन सा इन चारों में अलग है, कौन से तीन ऐसे हैं जो अपना एक ग्रुप बनाते हैं लेकिन उस ग्रुप में वो नहीं आता। क्लियर है? ठीक है ना, तो जब भी क्वेश्चन आपसे क्लासिफिकेशन से पूछा जाता है तो जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो जैसे अगर पांच दिए जाएंगे तो उसमें लिखा होगा कि चार किसी न किसी प्रकार से अपना एक समूह बनाते हैं, और अगर ऑप्शन आपके जो है चार होंगे तो तीन किसी ना किसी प्रकार से अपना एक जो है ग्रुप बनाते हैं। आपको ऑड उसमें से बताना है कौन सा अलग है। तो यहां पे जो अलग होगा वो होगा आपका जो है डी, मधुमेह अलग है। यह एक वंशानुगत रोग होता है। यह क्या होता है, यह आपका वंशानुगत रोग होता है। यह जो है आपका वंशानुगत रोग है। ठीक है ना, यह एक आपका वंशानुगत रोग है। वंशानुगत मतलब जैसे मुझे है, ठीक है ना, तो मेरे बेटे को हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक वंशानुगत रोग है, बाकी ये नहीं है, इसीलिए जो है आपका मधुमेह अलग है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन को जरा पढ़ें और इसका आंसर दें। ये भी क्वेश्चन आपसे जो है पूछा गया है किसमें, क्लासिफिकेशन में। किसमें पूछा गया, क्लासिफिकेशन में। तो जरा क्वेश्चन को एक बार रीड करिए और क्वेश्चन को जरा पढ़िए, ठीक है ना, पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन का आंसर देने की भरपूर कोशिश करें, सही आंसर दें। क्योंकि क्लासिफिकेशन में अक्सर होता है कि हमसे आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि भाई देखो लॉजिक है, ठीक है ना, लॉजिक की बात है। दूसरा शब्दों का ज्ञान, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, ठीक है, ये दो ऐसे टॉपिक होते हैं रीजनिंग में जिसमें आपको शब्दों का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी आप सही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लॉजिक, थोड़ा बहुत शब्दों का ज्ञान। अब जैसे देखो कह रहा है सिल्वर, जिंक, गोल्ड एंड आयरन, अब बताओ इनमें से कौन सा अलग है, गोल्ड अलग है कि सिल्वर अलग है कि आयरन अलग है कि आपका जिंक अलग है, कौन सा यहां पर इनमें से भिन्न है, बताएं भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पे जो है वो आपका आयरन होगा। क्या होगा, आयरन, क्योंकि देखो आयरन में क्या होता है, रस्ट होता है, रस्ट लग जाता है, नहीं होता लग जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है ना, एटमॉस्फियर रस्ट लग जाती है उसमें, ठीक है, स्मार्ट वायुमंडल के कारण उसमें जंग लग जाती है, बाकी किसी में जंग नहीं लगती, चाहे सिल्वर हो, चाहे जिंक हो, चाहे गोल्ड हो, इनमें एटमॉस्फियर के कारण जंग नहीं लगती। जबकि आप देखते हैं कि जो आपका आयरन होता था, जो लोहा है, उसमें एटमॉस्फियर की वजह से जंग लग जाती है, और इसीलिए डी आपका अलग है। ठीक है ना, इसलिए आयरन इन तीनों से क्या है, अलग है। ये तीनों इसीलिए अपना एक ग्रुप बनाते हैं कि इन तीनों में जो है एटमॉस्फियर की वजह से जंग नहीं लगती, ठीक है ना, और आपके जो आयरन है, आयरन में एटमॉस्फियर की वजह से जंग लग जाती है, और इसीलिए जो आपका आयरन है वो इन तीनों से अलग होगा। क्लियर? तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। अगला जरा देखिए, अगला कह रहा है कि रिंग, ब्रेसलेट, ऑर्नामेंट एंड बैंगल, अर्थात जो है अंगूठी, कंगन, आभूषण और चूड़ी, कौन सा इसमें से डिफरेंट है, कौन सा इनमें अलग है, कौन से तीन हैं जो अपना एक समूह बनाते हैं लेकिन चौथा इस समूह में नहीं आता, बताइए भाई। रिंग अलग है कि ब्रेसलेट अलग है कि ऑर्नामेंट अलग है कि बैंगल अलग है,
कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा यहां पे देखो, अगर हम बात करें तो जो आपका रिंग है, रिंग, ब्रेसलेट, ठीक है ना, ब्रेसलेट, और जो है आपका बैंगल, बैंगल, ये सो आपके ऑर्नामेंट के ही तो पार्ट है, अर्थात ये सब आभूषण ही तो होते हैं, ठीक है ना। चूड़ी पहन लिया आपने, रिंग पहन लिया आपने, ब्रेसलेट पहन लिया, उसने कहा भाई बहुत आभूषण पहने हुए हो, तो ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब जो है आपके ऑर्नामेंट के पार्ट हैं, उसके भाग हैं, ठीक है ना। वैसे तो उसके अंडर में काम करने वाले हैं, ठीक है, तो ये ऑर्नामेंट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ये तीनों से अलग है, क्योंकि बाकी तो भाई भाई हैं, ठीक है ना, बैंगल, कंग, बैंगल, ब्रेसलेट और रिंग, ये सभी आभूषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। आभूषण इन्हीं को बोला जाता है, इनसे मिलकर के आभूषण बनता है, कह सकते हैं, इसलिए आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं भाई क्या है, अगला क्वेश्चन जरा देखें। तो यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका जो है ऑड वर्ड आपको चूज करना है, कौन सा आपका अलग है। यहां पे दिया गया है लॉजिकल, कॉग्निट, स्पूरियस एंड इफिशियस, अर्थात प्रभावशाली। लॉजिकल, कॉग्निट, नकली और प्रभावशाली, इनमें से कौन सा अलग है बताइए। दूसरा है आपका जो है कर्ड, अर्थात दही, बटर, मक्खन, ऑयल, तेल, चीज, पनीर। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा। पहले में कौन सा होगा, लॉजिकल, कॉग्निट, स्पूरियस एंड इफिकेसियस में कौन सा अलग होगा, और कर्ड, बटर, ऑयल और चीज इनमें से कौन सा अलग होगा। यहां पर देखिए जो आपका छठवां है उसमें बताइए भाई कौन सा होगा। तो देखें जरा, तो यहां पर देखो चाहे लॉजिकल हो, लॉजिकल, ठीक है ना, कॉग्नेट और आपका इफिकेसियस, कैसियस, ये तीनों जो है सिनोनिम्स हैं। ये तीनों क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, ये तीनों आपके जो है सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना, अर्थात ये तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन जो सी है यह इनसे अलग है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, बाकी ये तीनों क्या है, सिनोनिम्स है। अगला देखो करेक्ट, कर्ड, बटर, ऑयल एंड चीज, इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें आपने कहा भाई ये तो बहुत सिंपल, इसमें तो ऑयल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑयल, क्योंकि चाहे आपका दही हो चाहे मक्खन हो, ठीक है ना भाई, दही हो गया, कर्ड, बटर हो गया और जो है आपका क्या, चीज, ये तीनों आपके मिल्क से बनते हैं, किससे बनते हैं, मिल्क से। क्लियर है, तो इसलिए जो है ये तीनों आपस में एक अपना ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये जो है ऑयल इनसे अलग है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन को रीड करते हैं और रीड करके जरा इसका आंसर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हाउ मेनी थ्रीज आर देयर विच आर प्रीसेडेड बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 9। निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने तीन हैं जिनके पहले 7 हैं लेकिन बाद में 9 नहीं हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपको इस जो सीरीज दी गई है नंबर्स की, इसके आधार पे आपको इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले यहां पर जो है आपको कंडीशन बनानी है। अब देखो ये पूरी एक नंबर की सीरीज दी गई, 2 4 7 3 9 6 5 7 3 8 5 4 3, ये करके पूरा 3 5 4 तक ये पूरी एक नंबर की सीरीज दी गई है। अब आपको इसमें क्या बताना है, कितने ऐसे तीन हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे उसकी जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को यहां पे बना लीजिए। तो कंडीशन दी गई है कितने ऐसे तीन हैं जिनके पहले 7 हैं लेकिन बाद में 9 नहीं है। इसका मतलब बीच में 3 होना चाहिए, ठीक है ना, पहले 7 होना चाहिए लेकिन बाद में 9 नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना, जिनके पहले सात हैं लेकिन बाद में नौ नहीं है, ऐसे कितने तीन हैं इस दी गई सीरीज में, ये आपको निकालना है। तो आप देखिए सीरीज जो आपको दी गई है वो है आपकी 2 4, वो है आपकी 2 4 7 3 9 3 9 6 5 7 3 8 5 4 3 6 7 3 5 3 5 4 1 4 1 9 3, ठीक है ना, 8 7 9 3 8 7 3 9 6 4 5 2, ठीक है ना, 4 5 2 3 9 7 3 5 4, ओके। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया है, ठीक है ना, आपको एग्जाम में डायरेक्ट कर देना है, ठीक है। तो हाँ, लेकिन कंडीशन जरूर बना लीजिए, कंडीशन कह रहा है कि ऐसे कितने तीन हैं जिनके ठीक पहले तो सात हैं लेकिन बाद में नौ नहीं हैं। अब जरा देखो यहां पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट तो आपका ये हो, ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, सेवन तो है लेकिन बाद में नाइन, उसने नाइन के लिए मना किया है कि नहीं भाई नाइन से थ्री की दुश्मनी है, शत्रुता है उससे, तो नाइन उसके बगल में नहीं बैठना चाहिए जबकि यहां पे तो बैठा है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। जरा आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे आया, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा क्योंकि थ्री के पहले सेवन तो है लेकिन बाद में नाइन नहीं है, नाइन के अलावा और कोई नंबर हो सकता है, तो एट है, एट से कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। आगे जरा देखो यहां पे थ्री है, थ्री तो है लेकिन ना तो पहले आपका सेवन है, बाद में नाइन तो होने नहीं चाहिए, पहले सेवन नहीं तो ये तो थ्री होगा नहीं, एक थ्री ये हो जाएगा, देखो पहले सेवन है बाद में नाइन नहीं है, यहां पे देखो यहां पे थ्री तो पहले सेवन नहीं है, यहां पे आपका है लेकिन बाद में नाइन है, ठीक है ना, बाद में नाइन है ये नहीं हो सकता, यहां पे देखो आपका थ्री है लेकिन पहले सेवन नहीं है, ये एक थ्री ये आपका हो जाएगा, यहां पे पहले सेवन है बाद में नाइन नहीं है, तो कितने थ्री ऐसे हैं, तो देखो आपका वन टू और ये आपका थ्री, तो थ्री थ्री ऐसे हैं, ठीक है ना, तीन कितने ऐसे हैं, तीन ही तो हैं, ठीक है ना, तो ऐसे थ्री थ्री हैं जिनके ठीक पहले सेवन है बाद में नाइन नहीं है, तो ऐसे थ्री कितने हैं, थ्री हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा रीड करिए भाई, अगले क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, जॉन सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, हाउ इज जॉन रिलेटेड टू दैट गर्ल। जॉन ने एक लड़की का परिचय देते हुए कहा कि उसकी मां मेरी सास की इकलौती बेटी है, जॉन का उस लड़की से क्या संबंध है, जॉन उसका अंकल है, जॉन उसका फादर है कि ब्रदर है कि हस्बैंड है, बताइए भाई। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध, अब आपको पता है कि भाई ब्लड रिलेशन में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो जेंडर का, जब तक जेंडर डिफाइन नहीं तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं, जेंडर डिफाइन रिलेशन डिफाइन, तो जैसे ही बात जेंडर की आती है तो रिलेशन केवल दो जेंडर के बीच होता है, मेल मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है ना, मेल और फीमेल, मेल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं प्लस, फीमेल के लिए यूज करते हैं माइनस, रिलेशन आपका दो वर्गों में बटता है, एक मां वर्ग में और एक पिता वर्ग में, ठीक है ना भाई। जब धरती पर आप अवतरित हुए तो आपने दो लोगों को जाना, एक अपने पिता को जाना, एक अपनी मां को जाना, ठीक है ना, तो एक रिलेशन पिता वर्ग में चला गया, अंकल का रिलेशन है, आंटी का रिलेशन है, ठीक है ना, अंकल आंटी, अब इंग्लिश में बुआ को भी आंटी ही कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में हम लोग अलग अलग से कहते हैं कि भाई बुआ है, फूफा है, ठीक है ना, चाचा है, चाची है, ठीक है, तो एक रिलेशन पिता वर्ग में चला गया, ठीक है, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर दादा दादी हो गए, और एक रिलेशन मां वर्ग में चला गया, जहां पर मौसी मामा, वहां पर भी मौसी के लिए आंटी आएगा, ठीक है ना, मामा के लिए मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी मतलब मामी, ठीक है ना, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर मतलब नाना नानी, तो दो पार्ट में रिलेशन डिवाइड हो गया, ठीक है ना।
आप क्या लगेंगे अपने दादा दादी के, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन, ठीक है, लड़की है तो ग्रैंड डॉटर, लड़का है तो ग्रैंड सन लगेगा, ठीक है। अब जरा देखो एक चीज जरा समझो, तो मेल के लिए क्या लगाएंगे प्लस, फीमेल के लिए क्या लगाएंगे माइनस। और एक बात आती है जनरेशन की, किसकी बात आती है, जनरेशन की बात आती है। तो आपको पता है कि जब जनरेशन की बात होती है तो जनरेशन या तो इक्वल है, इक्वल मतलब समान जनरेशन, और एक जनरेशन में गैप भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं अपनी, तो इक्वल जनरेशन को हम इस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं और जनरेशन गैप को हम इस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मेरा अगर भाई है, मेरी बहन है, चाहे मुझसे छोटी हो चाहे मुझसे बड़ा हो, वो मेरी जनरेशन का है, ठीक है ना, वो मेरी जनरेशन का है। लेकिन अगर मेरे पिता की बात हो जाए तो मुझसे एक जनरेशन ऊपर है। मेरे भतीजे की बात हो जाए, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो मुझसे एक जनरेशन नीचे होगा, ठीक है ना, समझ में बात आ रही है। तो ये जनरेशन इक्वल, ये जनरेशन गैप, ठीक है ना। भाई बहन एक जनरेशन के हैं, सिस्टर और जो ब्रदर है, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, वो एक जनरेशन में आएंगे। लेकिन मेरे सन की बात हो, मेरे डॉटर की बात हो, तो मुझसे एक जनरेशन नीचे है। मेरे फादर की बात हो तो मुझसे एक जनरेशन ऊपर, मेरे जनरेशन के नहीं है। तो जनरेशन इक्वल को इस सिंबल से, साइन से, और जनरेशन गैप को इस साइन से हम दर्शाते हैं, क्लियर है। दूसरा एक रिश्ता होता है डबल पी, या कह सकते हैं पी स्क्वायर का, ठीक है ना, पी फॉर पति, पी फॉर पत्नी, अर्थात पति पत्नी का रिश्ता। और ब्लड रिलेशन में यही एक रिश्ता ऐसा है जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, बाकी कोई रिलेशन ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं और एक चीज, पति पत्नी के रिलेशन को हम इस डबल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, और अगर कह दिया जाए कि ए हस्बैंड ऑफ बी, तो आप कहेंगे बी इज द वाइफ ऑफ ए, ठीक है ना। तो यही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, बाकी कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है। अब जरा आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, इतनी बातें क्लियर। अब जरा आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम, कैसे बनेगा जरा वो समझिए। जॉन ने एक लड़की का परिचय देते हुए कहा, एक चीज और, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दे सकते हैं तो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ करके आंसर नहीं आ रहा तो डायग्राम बना के आंसर दीजिए। जैसे यहां पे देखो कह रहा है जॉन ने एक लड़की का, आप देखो ये हो गए भैया जॉन, ठीक है ना, ये हो गए कौन, ये हो गए आपके जॉन। जॉन परिचय किसका करा रहे हैं, जॉन परिचय करा रहे हैं एक लड़की का, ठीक है ना, जॉन परिचय करा रहे हैं एक लड़की का। क्या कह रहे हैं, उसकी मां, मां मतलब भाई एक जनरेशन ऊपर, उसकी मां, तो ये हो गई उसकी मां, मेरी सास की इकलौती बेटी है, जो इस लड़की की सामने करे, जो ये लड़की है इसकी जो मां है वह मेरे सास की इकलौती बेटी। अब देखो जॉन की सास कौन हुई, मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ मतलब मां के समान, ठीक है ना। तो ये है आपके जॉन की मदर इन लॉ, मदर इन लॉ नहीं, मदर इन लॉ, ठीक है ना, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ओके, ठीक है। तो ये जो है ये जॉन की मदर इन लॉ है, और मदर इन लॉ की ये जो है ना ये इकलौती बेटी है, ये ओनली डॉटर है, यह इसकी इकलौती बेटी है, अर्थात ओनली डॉटर है। तो एक चीज बताओ कि जब ये इसकी, ये जो है जॉन के मदर इन लॉ की इकलौती बेटी है, तो जॉन और ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी, अर्थात पी स्क्वायर, पीपी हो गए, ठीक है ना, पति पत्नी हो गए, पति पत्नी, समझ में आया कैसे भाई। यही तो कह रहा है कि इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसकी मां, किसकी, इस लड़की की मां, ठीक है ना। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, जॉन सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ। तो एक चीज बताइए कि जॉन की मदर इन लॉ की ओनली डॉटर कौन होगी, तो उसकी जो सास है उसकी बेटी ही तो है, अब इकलौती बेटी है तो इकलौता दामाद भी है, तो जॉन ही तो इसका पति है। तो जॉन जब इसका पति है
और ये जो है ये इसकी माँ है, ये जो है ये इसकी क्या है, ये जो है इसकी माँ है, मदर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, जॉन इस लड़की का क्या हो जाएगा, फादर। जॉन इस लड़की का क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। तो जॉन का उस लड़की से क्या संबंध है, जॉन उस लड़की का पिता है, जॉन उस लड़की का क्या है, पिता है। क्लियर समझ में आया भाई, यही तो उसने कहा कि जो है उस लड़की की माँ मेरे सास की इकलौती से। मैं अगर बात करूं, अगर कभी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा कोई समस्या नहीं, आप अपने आप को वहां पर रख के देखिए, अगर मैं कहता, मैं जो है सामने एक तस्वीर टंगी है, कोई लड़की खड़ी है, उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि इस लड़की की माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो आप क्या कहेंगे कि सर आपकी जो सास है ठीक है ना, वो आपके पत्नी की माँ है, और जो आपकी पत्नी की जो माँ है उनकी इकलौती बेटी आपकी पत्नी ही तो हुई, ठीक है ना, क्योंकि जब इकलौती बेटी है तो इकलौता दामाद भी तो होगा, ठीक है ना, ब्रदर इन लॉ भी इकलौता ही है, ओनली है। क्लियर, तो भाई जब दोनों ओनली ओनली है, इसे दोनों क्या हो गए, पी स्क्वायर हो गए, अर्थात पीपी हो गए, और जब जो है ये दोनों पीपी हो गए, जब ये इसकी माँ है तो ये इनके क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, तो जॉन उस लड़की का पिता है। क्लियर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा देखिए भाई क्या, अगला क्वेश्चन जरा रीड करते हैं देखिए, और इसको भी सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्लियर, क्वेश्चन देखिए है आपका कि डायरेक्शन कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, ओके, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको ये ट्रायंगल दिया गया है, यहां पे थ्री है और ये नाइन है, ठीक है ना, अच्छा ये दिख नहीं रहा ना, अच्छा मैं इधर बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, दिख नहीं रहा इसमें, देखो भाई यहां पे क्या है, यहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसा है इस प्रकार से है, यहां पे ये थ्री है, यहां पे थ्री है और यहां पे नाइन है, यहां पे भी नाइन दिया है, यहां पे आपका दूसरा ट्रायंगल है, यहां पे थ्री है, यहां पे सिक्स है, यहां पे एट है और यहां पे ट्वेल्व है, ओके, तीसरा ट्रायंगल है, यहां पे आपका जो है टू है, ठीक है ना, यहां पे क्या है आपका, तो यहां पे आपका टू है, ओके, यहां पे एट है, यहां फोर है और यहां पे आपका क्वेश्चन मार्क है। आपको बता रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, एट आएगा, फोर आएगा, टू आएगा कि आपका सिक्स आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, आपको यह बताना है। तो यहां पर देखिए कंडीशन ये है कि इन तीनों में एक ही आपका जो है कॉन्सेप्ट लगेगा, जो पहले में लगेगा वही दूसरे में लगेगा, वही तीसरे में लगेगा। अब आपको करना क्या है कि जो बाहर तीनों नंबर लिखे हैं उनमें आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अंदर वाला नंबर आना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर देखा क्या किया मैंने, अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करता हूं, थ्री इंटू थ्री इंटू नाइन, तीनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81, 81 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं कितना आ जाएगा आपका 9, कितना आ जाएगा 9, अंदर देखो 9 लिखा है। क्या ये कॉन्सेप्ट सेकंड में लग रहा है क्या, जरा लगाओ तो 3 इंटू 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये तो 8 6 जा 48, 48 3 जा देखो 3 8 जा 24, 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 144, 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आपने कहा 144 होता है 12 का, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, तो फर्स्ट में भी लग रहा है, सेकंड में भी लग रहा है, जरा थर्ड में लगा दीजिए, थर्ड में देखो 2 इंटू 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 8 2 जा 16, 4 जा हो जाएगा 64, और 64 किसका आपका स्क्वायर रूट होता है 8 का, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर समझ में आया, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो आपका तरीका लगेगा तीनों में सेम लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे ट्रायंगल के बाहर आपके तीन नंबर दिए गए थे, इनका आपको यूज करके अंदर का नंबर लाना था, क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 आएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा रीड करिए देते हैं भाई, अगला क्वेश्चन जरा देखें क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए लॉजिकल वेन डायग्राम पर आधारित है,
किस पे आधारित है? लॉजिकल वेन डायग्राम पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशन अमंगस्ट इंग्लिश ग्रीक लैटिन, कौन सा आरेख अंग्रेजी ग्रीक लैटिन के बीच संबंध को दर्शाता है? तो वे लॉजिकल वेन डायग्राम में जो है वर्डों के बीच को, बीच के रिलेशन को हम जो है इस सर्कल के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम समुच्चय कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी नहीं दिखता, देखो यहाँ पे देख लो भाई, पी में दिया गया है आपका इस प्रकार से तीन सर्कल दिए गए, ठीक है ना, ये पी है और दूसरे में आपके इस प्रकार से सर्कल दिए गए हैं, ठीक है ना, ये आपका क्यू ऑप्शन है, तीसरा आपका तीनों डिफरेंट दिए गए हैं, मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, ये आपका आर में दिया गया है और एस में आपको इस प्रकार से बनाया गया है, ये एस है। आपको बताना है कि पी क्यू आर एस में कौन सा आपका सही होगा, ठीक है ना, कौन सा जो है आपका वेन डायग्राम इनके बीच के सही रिलेशन को दर्शाता है, क्या क्या है, इंग्लिश ग्रीक एंड लैटिन, बताइए भाई पी क्यू आर और एस में से कौन सा आपका जो है सही होगा। तो आपने कहा कि इंग्लिश इंग्लिश लैटिन, इंग्लिश लैटिन और ग्रीक, इंग्लिश लैटिन और ग्रीक, ये तीनों डिफरेंट लैंग्वेज हैं, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हैं, ये तीनों डिफरेंट लैंग्वेज हैं, अर्थात तीनों अलग अलग भाषाएं हैं, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इंग्लिश अलग भाषा है, लैटिन अलग भाषा है, ग्रीक अलग भाषा है, तो जब तीनों अलग हैं तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, जो आर में डायग्राम आपको दिया गया है तीनों अलग अलग, ये इनके बीच के सही रिलेशन को दर्शाएंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं और उसका फिर सोल्यूशन निकालते हैं भाई क्या होगा। देखिए जरा क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन कह रहा कि अ क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल ऑफ इट्स फेसेस, इट इज देन कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, ओके, द स्मॉलर क्यूब्स सो ऑब्टेंड आर नाउ सेपरेटेड, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एट लीस्ट टू सरफेस पेंटेड विथ रेड कलर, एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा जाता है, इसके बाद इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है, इस प्रकार प्राप्त छोटे घनों को अब अलग कर लिया गया है, कितने छोटे घनों की कम से कम दो सतहें लाल रंग से रंगी होंगी, बताइए भाई 4 होंगी, 18 होंगी, 32 होंगी, 24 होंगी, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो भाई देखो, अब जैसे आपको क्यूब के बारे में पता ही नहीं सर, तो कैसे लगाएंगे हम, ठीक है ना भाई, अगर क्यूब के बारे में पता होगा तभी तो हम लगा पाएंगे, तो मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस बता देता हूं क्यूब में, जिनको आपको याद रखना है और उसके आधार पर आपको इनको आंसर देना है, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले आप याद रखना, अगर कभी भी आपसे स्मॉल क्यूब्स पूछे जाए, ठीक है ना, स्मॉल क्यूब्स, तो इसका होता है आपका एन का होल ऑफ क्यूब, ठीक है ना, ठीक है, स्मॉल क्यूब्स का डायरेक्ट आंसर क्या होता है आपका फॉर्मूला, एन का होल ऑफ क्यूब, क्लियर क्लियर। तो यहां पे जो है स्मॉल क्यूब्स के लिए क्या होता है आपका एन का होल ऑफ क्यूब, अगर आपसे कहा जाए जो है यहां पे वन सरफेस पेंटेड, तो इसके लिए आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर इंटू सिक्स, सिक्स क्या है नंबर ऑफ सरफेस, सिक्स क्या है नंबर ऑफ सरफेस। अगर बात की जाए टू सरफेस पेंटेड, अगर आपसे कहा जाए टू सरफेस पेंटेड, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस टू इंटू ट्वेल्व, ट्वेल्व क्या है नंबर ऑफ एजेस, भाई एक जो क्यूब होता है उसमें आपकी छह सतहें अर्थात सिक्स सरफेस, ठीक है ना, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि वन सरफेस पेंटेड, तो क्या हो जाएगा n माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर इंटू सिक्स,
एन कहां से निकलेगा आपका जो है, तो एन आएगा, एन का क्या होता है स्मॉल क्यूब इक्वल टू एन का होल ऑफ क्यूब, ठीक है। अब देखो यहां पे जो है अगर हम बात की जाए थ्री सरफेस पेंटेड तो ये आ जाएगा जो है आपका, ये हो जाएगा आपका इस यहां का आंसर हो जाएगा आपका 8, क्योंकि जो आपकी तीन सतह जो आपकी रंगीन दिखाई पड़ेंगी वो आपको हमेशा कॉर्नर पे दिखाई पड़ेंगी, ठीक है ना, कहां पे दिखाई पड़ेंगी कॉर्नर पे, और कितने कॉर्नर होते हैं आपके 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट 8 हो जाएगा, क्लियर है। और देखो अगर यहां से पूछा जाए आपसे कि नो सरफेस पेंटेड तो ये आ जाएगा आपका n माइनस टू का होल ऑफ क्यूब, ठीक है। और अगर आपसे n की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो ये होता है साइड ऑफ बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है ना, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है। इतना अगर आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, इतने फॉर्मूला अगर याद रखे तो इससे बाहर आपसे क्यूब में नहीं पूछा जाएगा, बस इन्हीं सारे फॉर्मूले पे क्यूब पूरा आपका जो है डिपेंड है। अब जरा देखो यहां पे अगर देखें तो क्या दिया गया है आपको, आपको जो है पहले से स्मॉल क्यूब्स की संख्या दी गई है, आपको पहले से स्मॉल क्यूब्स की संख्या दी गई है 64, तो आपने कहा कि भाई एन का होल ऑफ क्यूब बराबर दिया गया है 64, तो एन बराबर आ जाएगा आपका 4, क्या आ जाएगा एन बराबर हो जाएगा आपका 4। अब कह रहे हैं कि एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड हमको निकालना है कि एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड, ठीक है ना, टू सरफेस पेंटेड। तो अब यहां पे देखो एटलीस्ट वर्ड लगा है, अगर केवल पूछता कि टू सरफेस पेंटेड तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते एन माइनस टू इंटू 12, ठीक है ना। अब यहां पे एटलीस्ट कम से कम दो सतह रंगीन, तो भाई जैसे आपने कहा कि आपके पास एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझो, एक सामने आपके पास कुछ बॉल्स हैं जो जिसमें कुछ आपकी एक सतह रंगीन है, ठीक है ना, कुछ आपकी दो सतह रंगीन है, कुछ आपकी तीन सतह रंगीन है। अब आपसे मैं कहूं कि कम से कम जिनकी दो सतह रंगीन हो उन बॉल्स को जरा उठा के ले आओ, तो आप कहेंगे कि भाई जो एक सतह रंगीन होगी उसको तो हम बिल्कुल किनारे कर देंगे, तुम हटो, कम से कम दो बोला है। अब कम से कम दो में कौन कौन सा आएगा, एक तो दो वाला आएगा और एक तीन वाला आएगा, क्योंकि जिसकी तीन सतह रंगीन है तो एटलीस्ट टू सरफेस पेंट तो वो भी तो आएगा। तो यहां पर जब हम बात करेंगे एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड में तो क्या हो जाएगा, देखो कौन कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, यहां पर टू सरफेस पेंटेड, यहां पर आएगा आपका टू सरफेस पेंटेड प्लस थ्री सरफेस पेंटेड। इस समझ में आ रहा है क्यों थ्री का करेंगे भाई, वन को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसने कहा कि कम से कम दो सतह उसकी रंगीन होनी चाहिए, तो भाई जिसकी तीन है उसकी कम से कम दो है ना, एक वाली में तो कोई वही नहीं दो होने का, ठीक है ना। तो एटलीस्ट जब वर्ड लग जाएगा तो यहां पे टू सरफेस पेंटेड प्लस थ्री सरफेस पेंटेड, अच्छा अगर यहीं पे एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड होता तो वन टू थ्री ये तीनों ऐड होते। अब जरा देख लो टू सरफेस पेंटेड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपने कहा एन माइनस टू इंटू 12 होता है प्लस आपका यहां पे 8 हो जाएगा, क्योंकि थ्री सरफेस पेंटेड में आपका 8 आ जाएगा। अब देखो एन की वैल्यू आपको पता कितनी है 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 12 प्लस ये हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 8, तो ये आ जाएगा आपका जो है कितना 32, कितना आ जाएगा 32। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्यूब में आप इतने फॉर्मूले भर क्लियर कर लीजिए, इससे बाहर क्यूब आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्लियर है, इतने बस आपको जो है फॉर्मूले याद रखने हैं, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा रीड करें और इसका जरा आंसर
देने की भरपूर कोशिश करिए। बिल्कुल, अब देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूछा गया किससे? एनालॉजी टेस्ट से, जिसे हम हिंदी बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण। बताइए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि चाइल्ड का रिलेशन किससे है? फादर से। उसी प्रकार से बुक का रिलेशन किससे होगा? तो पहला जो दिया गया उसमें रिलेशन आपको ढूंढना है, फिर जो उनके बीच रिलेशन आपको समझ में आएगा, जो आप निकालेंगे, सेम वही रिलेशन आपको इधर लगाना है। तो बच्चे का रिलेशन पिता से, किताब का रिलेशन किससे होगा? ऑथर से, पब्लिशर से, एडिटर से कि लाइब्रेरी से? बताइए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताएं भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा? चाइल्ड का रिलेशन जो है फादर से है, तो बुक का रिलेशन किससे होगा? तो देखिए, ये तो भाई बहुत सिंपल सा है। देखिए, जिस प्रकार से चाइल्ड, अब चाइल्ड का रिलेशन फादर से, तो भाई फादर के द्वारा जो है, फादर का जो है एक हिस्सा है चाइल्ड, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से जो है कह सकते हैं कि जो बुक है, बुक किसका हिस्सा है? बुक किसके द्वारा राइट होती है? लेखक के द्वारा। तो बुक का रिलेशन किससे हो जाएगा? बुक का रिलेशन हो जाएगा ऑथर से। किससे हो जाएगा आपका? ऑथर से। तो यहां पे जो आंसर है वो आपका ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? जिस प्रकार से चाइल्ड फादर का एक पार्ट है, उसी प्रकार से बुक जो है लेखक का एक पार्ट है, ठीक है ना? बुक लेखक के द्वारा तैयार की जाती है, लेखक के द्वारा राइट की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। दूसरा देखिए, पायरिया टीथ ट्रेकोमा किससे रिलेटेड होगा? आई से कि स्किन से कि लंग्स से कि ईयर से? तो जिस प्रकार से पायरिया टीथ की एक डिजीज है, ठीक है ना, पायरिया जो है, जो बीमारी है वो टीथ में होती है, तो ट्रेकोमा किसमें होता है? आंख में। किसमें होता है? आंख में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? जिस प्रकार से पायरिया दांत में होता है, उस प्रकार से ट्रेकोमा आंख में होता है। तो ऑप्शन यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका? ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? ये बहुत आसान होते हैं। यहां पे आपको रिलेशन देखना है, जो रिलेशन इसमें आएगा, जैसे चाइल्ड का जो रिलेशन फादर से था वही बुक का इधर होगा, जो रिलेशन पायरिया का टीथ से था वही ट्रेकोमा का इधर से होगा, ठीक है ना? तो आपको रिलेशन दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, ठीक है ना? दोनों पलटे बराबर आपको रखने हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे ऑप्शन ए आपका, यहां पर भी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।